चलिए आज का क्लास जो है हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रेनबो के फॉर्म में हम लोग देख चुके हैं, जब किसी सनलाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो डिफरेंट कलर का कंटिन्यूअस बैंड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जस्ट लाइक सिमिलर टू है सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। देखिए ध्यान से, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यह एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, हार्ड ग्लास का एक ट्यूब है और इसमें हाइड्रोजन गैस है भरा हुआ और यहाँ पर दो प्लेट लगा हुआ है। अब इसमें हाई पोटेंशियल देंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वह लोअर सेल टू हायर सेल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और पुनः जब हायर सेल से लोअर सेल में आएगा तो एनर्जी इमिट करता है जिसका एनर्जी डिफरेंट होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये भी आपका इंपॉर्टेंस टॉपिक है और लास्ट तक ये टॉपिक देखें, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, एक डायग्राम में बनाएंगे, इसमें लिया गया हाइड्रोजन गैस और हाई पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो कर करके लाइट इमिट करेगा। ये आपका एक प्लेट बोल्ट लगा दिए हैं, इसमें एक छोटा सा पोरस छिद्र है, इस लाइट पोरस छिद्र से लाइट आ रहा है। जब लाइट आ रहा है इसको प्रिज्म से पास कराते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी प्लेट लगा दिया गया है जो डिटेक्टर का काम करता है, अलग अलग लाइन को जो है वो डिटेक्ट करता है। इसमें जो है इंफ्रारे भी रहता है, यूवी लाइट भी है और भी जीवो लाइट भी है। अब देखें यहाँ पर, व्हेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। ध्यान दें, यहाँ पर गैस का जो प्रेशर रखा जाता है, इसका प्रेशर रखा जाता है लो और हाई हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये रेन इमिट करता है। तो लो प्रेशर पर रखा जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है पहले एटम फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करता है एनर्जी और एक्साइटेड कंडीशन में चला जाता है। व्हेन दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और हायर सेल से ग्राउंड स्टेट का मतलब वो फर्स्ट सेल पर आता है, दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, डिस्क्रिएटेड फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रे इमिट करता है। नाउ व्हेन दीज इमिटेड रेडिएशन इज पास थ्रू प्रिज्म, जब उसे प्रिज्म से पास करवाते हैं, देन डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम्स ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन इज ऑब्टेन। तो इससे हम प्राप्त करते हैं अलग अलग कलर का शार्प लाइन प्राप्त करते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन में कई सीरीज प्राप्त होता है, नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर, उसके नाम जो डिस्कवर के हैं उसके नाम पर रखा गया है। इस सीरीज पहला कहलाता है लाइमेन सीरीज, दूसरा कहलाता है बालमल सीरीज, थर्ड कहलाता है पासन ब्रैकेट एंड फून सीरीज। देखिए ध्यान से, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ बहुत सा सेल है, कोई भी हायर सेल से फर्स्ट सेल पर आएगा इलेक्ट्रॉन, कोई भी हायर सेल से फर्स्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन लाएगा तो जो रेडिएशन इमिट करेगा, इस पर आने के बाद ये रेडिएशन इमिट करेगा,
तो लाइमेन सीरीज कहलाएगा, और लाइमेन सीरीज जो है यूवी लाइट होता है, याद रखेंगे लाइमेन सीरीज यूवी लाइट होता है। और किसी भी हायर सेल से इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में जंप करेगा, किसी भी हायर सेल से सेकेंड में जंप, यानी थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से, तो सेकेंड में कहीं से आएगा तो बार्मर सीरीज होगा। और बार्मर सीरीज जो है विजिबल होता है, बार्मर सीरीज ही केवल विजिबल होता है, कहीं हायर सेल से दो से एक पर आए, तीन से एक पर आए, चार से एक पर आए, पांच से एक पर आए, कहीं हायर इन्फिनाइट से एक पर आए, तो जो रेडिएशन एनर्जी मीट करता है वो लाइमेन सीरीज में रखा गया है। और यह यूवी लाइट होता है, कहीं से सेकेंड पर आता है तो बाल्मर सीरीज में रखा गया, यह विजिबल होता है, और कहीं से भी थर्ड पर आता है तो पाश्चन सीरीज, फोर्थ पर आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, इस तरह से होता है। लाइमेन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया, पाश्चन सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, हुन सीरीज हो गया। अब ध्यान दें, लाइमेन सीरीज होता है यूवी लाइट, बाल्मर सीरीज होता है केवल विजिबल, पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड होता है, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड होता है, बाकी सब इंफ्रारेड होता है, फून सीरीज इंफ्रारेड रहता है। तो याद रखेंगे ये बात को, कहीं से एक पर आएगा लाइमेन सीरीज, कहीं से टू पर आएगा बाल्मर सीरीज, कहीं से थर्ड पर आएगा पाश्चन सीरीज, कहीं से फोर्थ पर आएगा ब्रैकेट सीरीज, कहीं पर फिफ्थ पर आएगा तो फून सीरीज, इस तरह से स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होता है। अब देखिए इसके बारे में रिडबर्स ने एक फार्मूला दिए हैं जो हर एक सीरीज को डिस्क्राइब करता है, इस फार्मूला को कहते हैं रिडबर्स फार्मूला, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इनटू आर एच, या सिंपली इसको आर से इंडिकेट करते हैं, 1/λ को इज इक्वल टू न्यू बार, 1/λ लंबा वेव लेंथ है, न्यू बार मतलब वेव नंबर होता है, ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, आर हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, और N1 हो गया लोअर सेल, N2 हो गया हायर सेल। हाइड्रोजन एटम के लिए यदि बात करें तो जेड इक्वल टू हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पुट करें तो ये फॉर्मूला आ गया। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर का जो वैल्यू होता है याद रखेंगे 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स, आर का वैल्यू 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स होता है। N1 हो गया 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, N2 रहेगा, N1 जोड़ लेंगे उसमें 1 या 2 या 3 ऐड कर देंगे, यानी ये हो गया लोअर सेल, हो गया हायर सेल। लंबा जो है वेव लेंथ हो गया, और न्यू बार हो गया वेव नंबर। अब देखिए ये सीरीज का नाम है लाइमेन सीरीज, यूवी लाइट होता है, यहां पर N1 इक्वल टू 1 होता है, N2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक रहेगा। लाइमेन सीरीज बाल्मर सीरीज भी जीबू लाइट होता है, N1 बराबर 2 होता है, N2 बराबर 3, 4, 5, 6। पाश्चन सीरीज होता है इंफ्रारेड, ये होता है 3, 4, 5, 6, 7। ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड होता है, N1 बराबर 4, N2 बराबर 5, 6, 7। फून सीरीज इंफ्रारेड होता है, N1 इक्वल टू 5 होता है, N2 इक्वल टू 6, 7, 8, 9 होता है।
अब देखिए कोई कहेगा कि फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन। जब इनिशियल लाइन रहेगा तो उसका एनर्जी मिनिमम होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। हम लोग याद रखें एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू का, और एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी वेवलेंथ का होता है। तो जिसका यहां पर मतलब ये हो गया कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का। तो फर्स्ट लाइन कहा जाए या स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा। लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन, किसी भी सीरीज का लिमिटिंग लाइन पूछेगा या मार्जिनल लाइन कहा जाएगा, तो वेवलेंथ मिनिमम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब कोई कहेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज कहने के मतलब है कि कहीं से भी वन पर आ रहा है, और फर्स्ट लाइन का मतलब एन टू होगा टू, क्योंकि एनर्जी सबसे कम होगा। लास्ट लाइन का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब किसी का भी रहेगा लास्ट लाइन के लिए तो एन टू सबके लिए इनफिनाइट ही होगा, एन टू सबके लिए इनफिनाइट होगा। तो ध्यान दें किसी भी सीरीज में लास्ट लाइन कहा जाएगा तो एन टू सबके लिए इनफिनाइट होगा। फर्स्ट लाइन बार्मल सीरीज के लिए कहा जाएगा तो एन टू टू हो जाएगा, एन वन टू हो जाएगा, एन टू थ्री रहेगा फर्स्ट लाइन के लिए। जबकि लास्ट लाइन कहा जाएगा तो एन वन तो टू रहेगा और एन टू हो जाएगा इनफिनाइट। इसी तरह से फर्स्ट लाइन पासन सीरीज के लिए तो पासन सीरीज हो गया एन वन हो गया थ्री, एन टू हो गया फोर, और इसका लास्ट लाइन कहा जाएगा तो एन वन हो गया थ्री, एन टू इनफिनाइट। तो याद रखेंगे मेरी बात को ध्यान से समझिए, किसी भी सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन कहा जाए या मैक्सिमम वेवलेंथ कहा जाए या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहा जाए, तो लाइमेन सीरीज के लिए एन वन तो वन होगा, एन टू टू होगा, और लास्ट कहा जाएगा तो लास्ट लाइन कहा जाएगा तो एन वन तो वन रहेगा, एन टू इनफिनाइट होगा। हर एक के लास्ट लाइन या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए एन टू इनफिनाइट होगा। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इसका अल्टू होता है, इसको समेशन पढ़ते हैं, मैथ का वर्ड है समेशन एन टू माइनस एन वन। जैसे समेशन ऑफ फोर कहेगा तो फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन टेन होता है, कोई समेशन ऑफ सिक्स कहा जाएगा तो सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन ट्वेंटी वन हो, समेशन का मतलब सम होता है। अब एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम सिक्स टू सेकेंड ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, कोई सिक्स से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा हो तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एन टू माइनस एन वन, समेशन ऑफ एन टू माइनस एन वन होगा।
अब यहाँ एन टू है सिक्स, एन वन है टू, तो सिक्स माइनस टू समेशन ऑफ फोर यानी फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन टेन हो गया। तो इस तरह से आज स्पेक्ट्रम लाइन का कंप्लीट जानकारी दिया गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन का और रिडवर फॉर्मूला का, और अलग अलग सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ ये सभी इतना प्रॉब्लम बनाने पर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही है, यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर कंप्लीट होने, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर स्टूडेंट सबका डिमांड है कि हमें ट्वेल्थ क्लास का शुरू कीजिए। तो ये चैप्टर के बाद हम ट्वेल्थ क्लास शुरू करेंगे बहुत जल्द, दो चार से पांच क्लास के बाद आपका ट्वेल्थ क्लास का शुरू किया जाएगा, जिसमें बोर्ड लेवल का 100% सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का दिया जाएगा, और कंप्लीट थ्योरी यानी उतना जान लेने के बाद आपका ट्वेल्थ बोर्ड में 100% नंबर ला सकते हैं, या नीट का भी टोटल क्वेश्चन ट्वेल्थ वाले पार्ट से बन जाएगा। तो आज इतना ही।